पीछे किसी से पूछा था कि बांग्लादेश का बॉर्डर क्या है, मतलब ऐसे देख रही है, मतलब जैसे कि मैंने कितनी मांग लिया गाइस, ऐसे देख रही है। वेलकम गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में मतलब हम जाने वाले हैं बांग्लादेश के बॉर्डर में, और वहाँ पे कुछ गांव है, मतलब जो उनका बहुत ज्यादा जमीन है ना, जमीन तो वो बांग्लादेश के अंदर छुपा है, हमारे इंडिया के लोगों का जमीन, ठीक है। तो गाइस ज्यादा आप लोगों का देर ना करते हुए मैं करता हूँ वीडियो को शुरू। तो मेरे साथ जाने वाले हैं बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। तो आप लोग बने रहो और गाइस ठीक है, चलो। गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है कुछ मालूम नहीं चल रहा मुझे, क्या बोलूं गाइस, मतलब ये ऐसा रोड है इसमें आपको ट्रैफिक रूल जो है तोड़ना पड़ेगा, कुछ गड्ढे कुछ ज्यादा ही है रोड में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोर्ट से चलने से अच्छा है मैं पैदल ही चला जाऊँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब रोड की जो कंडीशन है बहुत ही खराब हो चुकी है, तो मतलब रिपेयर हो रहा है थोड़ा थोड़ा उस साइड की तरफ से, लेकिन इस साइड में अभी तक नहीं हुआ। ये जो जगह है ना अभी तक ये रिपेयर नहीं हुआ, उसमें होगा गाइस। तो जब गोरीपुर से मतलब धूबरी से अगर आप गोलमोज की तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादातर मतलब भेटा दिखेगा, मतलब जो ईटों का भेटा होता है ना वो ज़्यादा आपको दिखेगा, मतलब इस साइड का मतलब जो है ना रोड के किनारे किनारे आप देखेंगे धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा है, और मतलब ज़्यादातर यहाँ पर भेटा है और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो गाइस ये जो देख सकते हो आप लोग, ये जो गोरीपुर का मतलब गोरीपुर ये गोई बाजार है बालाजोन के इस साइड में गोलगंज डिस्ट्रिक्ट का। तो अभी मतलब चारों तरफ देख सकते हो लोग मतलब खेतों में काम करना शुरू कर दिया है, चारों तरफ आप देख सकते हैं गाइस सब लोग मतलब कर रहे हैं धान का जो मतलब फसल होता है उसको उगा रहे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं गाइस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मतलब जो बालाजोन के इस साइड में है रोड एकदम टन टनाटन है, लेकिन उसके बाद का जो रोड आपको दिखाया ना वो एकदम बकवास है, मतलब वो जो जगह है उसको आपको मतलब उसको मैं चाहता हूँ ठीक करे सरकार, ठीक है ना। बाकी जो ये रोड है एकदम ठीक है, उस साइड के बालाजोन के उस साइड में जो रोड है ना वो एकदम बकवास है, ये बालाजोन है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए गोलागंज चायरेली में। तो आप आए तो गाड़ी तो बाहर कहीं एक जगह पे कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे घूरने का क्या जगह है। हम लोग पहुँच गए गोलागंज चायरेली की तरफ, ठीक है। अभी उसके गोलागंज के बाद जो एक ब्रिज है, ब्रिज के बाद जो आएगा वो आप जाएंगे बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है बाबा, अब लोग वीडियो पे बने रहो और देखो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है गाइस। चलिए धूम मचा दें, तो मतलब कम से कम 15 मिनट वेट करना। सो गाइस दिस इज द गोलागंज स्टेशन, जो गोलागंज का स्टेशन है ये है गोलागंज बाजार, जो गोलागंज का मेन बाजार है यहां पे। सो गाइस पहले जो गोलागंज का मतलब एक और ब्रिज था, मतलब वो बहुत ही पुराना हो चुका था, तो यहाँ पे एक नया ब्रिज जो है मतलब हो गया है। तो आपको मैं नया जो ब्रिज है दिखाता हूँ, ठीक है। हम ऊपर जा रहे हैं ब्रिज के। तो गाइस यहाँ पे मतलब एक कोलकाता हावड़ा ब्रिज नहीं, लेकिन मतलब वैसा ही उससे छोटा ब्रिज है। सो जो है ये पहले का जो ब्रिज है वो उस साइड में है, तो ये दूसरा देख सकते हो गाइस, ये जो है ब्रिज हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ गोलागंज में। सो गाइस मजा आ रहा है ना गाइस देख के, तो नीचे जो है मतलब जो नदी जा रहा है ना वो है गंगोत्री का नदी, ठीक है। जा रहे ऑसम है गाइस, ऑसम। कम से कम मतलब 2 किलोमीटर लंबा होगा ब्रिज, मतलब जो ये ब्रिज हुआ है ना इस ब्रिज की वजह से मतलब बहुत मतलब जो इस गोलागंज की साइड के जो लोगों का है ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प हुआ है ये रोड होने के बाद। जो पहले रोड नहीं था ना उसके पहले जो था, तो पहले एक रोड था, तो रोड के मतलब ऐसा एक रास्ता था लेकिन बहुत ही डेंजर था, लोहे का पट्टा था उसके ऊपर से जाना था, लेकिन जब ये रोड हुआ ना तो मतलब बहुत ही हेल्प हुआ इन लोगों को, मतलब आसानी से मतलब वो यहाँ पे बाजार आ सकते थे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ही हेल्प हुआ इनका जो ब्रिज होने के बाद। तो जैसा कि इसमें एक नदी है, तो गाइस अभी हमें यहाँ पे ना, तो अभी हम जाएंगे वो उस साइड में, उस साइड का जो इलाका है उसके वहाँ पे है, उसको बोलते हैं छतरथन, और उसी के साइड में है बांग्लादेश का बॉर्डर। तो लेट्स इंतजार ना करते हुए आपको मैं डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो गाइस इंडिया बांग्लादेश तो वो तो उस साइड में है ना। सो दिस इज द नेचर ऑफ इंडिया, यहाँ की इंडिया लाइफ। किसी से पूछा था कि बांग्लादेश का बॉर्डर कहाँ है, मतलब ऐसे देख रहे हैं, मतलब जैसे कि मैंने कितनी मांग लिया गाइस, ऐसे देख रही है, मतलब डर गया भैया। अजीब है भाई, अजीब नहीं है अच्छा है, लेकिन मतलब क्या है ना थोड़ा यहाँ के लोगों को हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है, बस वही है और ज़्यादा कुछ। तो
सो गाइस जैसे कि हमारे महबूब भाई को लगा है भूख, तो हमको कुछ खिलाएगा, समोसे इधर खिलाएगा, तो ये छोटा सा है मतलब जो बाजार है ना, यहाँ पे जो बाजार है, बाजार का छोटा सा एक ढाबा है, इसमें खाएंगे। रास्ता है सीधा जाता है बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ। सो यहाँ पे देख सकते हो गांव है, बहुत सारे यहाँ पे चारों तरफ लोग रहते हैं गाइस। यहाँ पे गांव है मतलब थोड़ा आगे है, बस बस पहुंचने वाला है गाइस, बस कुछ ही सेकंड में। गदी खत्म। अभी देख सकते हो मेरे जो पीछे है बांग्लादेश का पूरा एकदम बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर के उस साइड में आपको मैं लेके चलता हूँ, नहीं नहीं उस साइड में नहीं, लेकिन उस साइड में जो वहाँ पे थोड़ा गांव है टाइप का, तो ये भी यहाँ पे गांव है, जंगल टाइप का है थोड़ा, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उस साइड में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। उस साइड में एक गांव है, तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको पूरा जो बॉर्डर का नज़ारा है, ये एक भाई है हमारा ब्लॉगर, सो ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ये देख सकते हो ये जो जगह है गाइस, ये पूरा है इंडिया, असम का लास्ट एकदम इंडिया, चिकन नेक भी बोल सकते हो इसको। तो इसके जो उस साइड में देख सकते हो, ये जो है देख सकते हो, ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, उस साइड में है बांग्लादेश, ठीक है गाइस। जैसा कि देख सकते हो ये इंडिया और उस साइड है बांग्लादेश। सो गाइस जैसा कि हम आने वाले थे, लेकिन हमको दो BSF ने मतलब बोला था कि कहाँ जा रहे हो, मतलब ये रोड तो किसी के लिए जाने का नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये इसने भी ये पागल बोला कि मैं यहाँ पे वीडियो कर सकते, ये साला ये बोला, अभी अभी हमको मारने वाला था। तो मतलब जो है ना ये जगह है, इसको बोल सकते हो चिकन नेक। तो गाइस ये जो छोटा सा गांव है, ये मतलब हमारे बोल सकते हो आसाम और इंडिया का लास्ट है, यहाँ से ख़त्म गाइस, तो चिकन नेक बोल सकते हो। यहाँ पे जो है ना वीडियो करना एकदम अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई वीडियो करना BSF को अगर पता चला ना, तो मतलब ऐसा मारेगा ना, पेल देगा। तो ये जो जगह है गाइस, ये है मतलब ये बोल सकते हो इंडिया का लास्ट है ये जगह, तो चिकन नेक भी बोल सकते हैं ये जगह को, और यहाँ का लास्ट है। और आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ, तो मतलब क्या जो है ना, ये जो मतलब लोगों का जो ये जो आप देख सकते हो चारों तरफ ग्राम के लोग हैं ना, इनका मतलब ज़्यादातर ज़मीन जो है बांग्लादेश के उस साइड में है, तो बॉर्डर मतलब गिरा था, लेकिन बहुत लोगों का ज़मीन जो है उस साइड में है। तो मतलब क्या हुआ, उन लोगों को मतलब एक कार्ड जैसा बना के दिया है, मतलब वो ज़मीन में मतलब जाके खेती वती कर सकते हैं, और ऐसा कुछ मतलब जो है मतलब वो जाके मतलब बांग्लादेश के अंदर जाके खेती वती करके फिर वो टाइम टू टाइम वापस आते थे, इसीलिए उनको एक कार्ड बना दिया। पता नहीं कब मतलब जो ज़मीन है उस साइड का, जो बांग्लादेश के उस साइड में पड़ गया बहुत सारे ज़मीन लोगों का, तो कब इस साइड में आएगा पता नहीं, तो शायद उनको क्या पता क्या होगा। तो ये जो गाइस देख सकते हो लार्ज जगह है, यहाँ से होता है हमारे इंडिया जो है ख़त्म। ये बांग्लादेश का BSF का ऑफिस है, तो यहाँ से जो है ख़त्म होता है, तो इंडिया का ये लार्ज जगह है, यहाँ से ख़त्म होता है इंडिया। जैसा कि आप लोगों को एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो है बांग्लादेश के इधर वीडियो करना अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर हम उनको पता चल गया कि हमने वीडियो करने वाले आए थे, तो मोबाइल जो है लेके सारा वीडियो जो है डिलीट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है, जैसा कि आप लोगों को हमने दिखाया यह जगह है। तो गाइस एक काम करते हैं, आज का वीडियो करते हैं ये पे ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नेक्स्ट जगह में। जैसे आप लोगों ने देखा जो ये गेट है, तो यहाँ से होता है बांग्लादेश स्टडी, बांग्लादेश के मतलब जो ये जगह है, बांग्लादेश नहीं इंडिया का ये जगह है। तो वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।